Welcome to WeLearn Networks. Today we will cover the topic the input output system of subject computer organization and assembly level language programming. This is session number six, and today we will cover the following topics input output devices or external or peripheral devices, the input output interface, the device controllers and its structures, device controller structure of an input output interface. Device drivers, input output techniques, programmed input output, inter interrupt driven input output, interrupt processing, DMA means direct memory access, input output processors, external communication interfaces. First topic is input output devices or external or peripheral devices. A typical माइक्रो कम्प्यूटर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ अ माइक्रो प्रोसेसर प्लस मैमरी एंड इनपुट आउटपुट इंटरफेस जो हमारा मैम माइक्रो कम्प्यूटर होता है वो बहुत सारी चीज़ों का बना होता है जैसे कि एक माइक्रोप्रोसेसर और उसकी मेमोरी प्लस जो हमारे इनपुट आउटपुट इंटरफ़ेसेस होते हैं द वेरियस कॉम्पोनेंट डेट फॉर्म द सिस्टम आर लिंकड थ्रू बसेज डेट ट्रांसफर इंस्ट्रक्शंस डेटा एड्रेसिज एंड कंट्रोल इंफॉर्मेशन अमंग द कॉम्पोनेंट्स जो वेरियस कॉम्पोनेंट होते हैं जो इस सिस्टम को बनाते हैं वो एक ब वो बहुत सारी बसेस के थ्रू लिंक्ड होते हैं जो ट्रांसफ़र करते हैं इंस्ट्रक्शंस को डेटा को एड्रेसेस को कंट्रोल इंफॉर्मेशन को बहुत सारे कंप्यूटर्स के बीच द माइक्रो कंप्यूटर हैज़ अ सिंगल माइक्रो प्रोसेसर अ नंबर ऑफ रैम एंड रोम चिप्स एंड एन इंटरफेस यूनिट कम्युनिकेट्स विद वेरियस एक्सटर्नल डिवाइस थ्रू द इनपुट आउटपुट बस जो हमारा माइक्रो कंप्यूटर होता है वो एक सिंगल माइक्रो प्रोसेसर का बना होता है जिसमें बहुत सारे रैम और रोम चिप्स अटैच्ड होते हैं और कुछ इंटरफेस यूनिट्स होती हैं जो कम्युनिकेट करती हैं इन एक्सटर्नल डिवाइसेस के थ्रू जो कि होते हैं इनपुट आउटपुट बस जो ब्लॉक डाइग्राम है माइक्रो कंप्यूटर का वो डाइग्राम में दिया हुआ है यहाँ पर जो हमारे मेन यूनिट्स हैं वो होती हैं सी मेन मेमरी हमारे इनपुट आउटपुट डिवाइसेस जो राइट हैंड साइड पे शो करे गए हैं लोकल बस की और जो हमारे डिस्प्ले ड्राइव्स होती हैं या डिस्प्ले डिवाइसेस uh, होते हैं वो शो किए गए हैं लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द लोकल बस ये जो लोकल बस होती है वो इंटरनली मदरबोर्ड से कनेक्टेड होती है और थ्रू दिस बस जो हमारे इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हैं और मेन मेमोरी है वो कम्युनिकेट करते हैं सीपीयू और डिस्प्ले डिवाइसेस से इनपुट आउटपुट डिवाइस और एक्सटर्नल और पेरीफेरल डिवाइसेज़ द इनपुट आउटपुट सब सिस्टम ऑफ अ कम्प्यूटर रेफर टू एज़ इनपुट आउटपुट प्रोवाइड एन एफिशियट मोड ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन सेंट्रल सिस्टम एंड द आउटपुट इन्वायरमेंट जो हमारा इनपुट आउटपुट सब सिस्टम होता है किसी कंप्यूटर का वो एक एफिशेंट मोड होता है जो कम्युनिकेशन प्रोवाइड करता है सेंट्रल सिस्टम से और जो हमारा आउटपुट इन्वायरमेंट होता है उससे इनपुट आउटपुट डिवाइसेस अटैच्ड टू द कंप्यूटर आर कॉल्ड पेरिफेरल्स जो हमारे इनपुट आउटपुट डिवाइसेस होते हैं हम उन्हें पेरिफेरल्स कहते हैं क्योंकि हम इनको डिटैच कर सकते हैं किसी भी कंप्यूटर सिस्टम से दीज कैन बी क्लासिफाइड इन थ्री कैटेगरीज इनको हम तीन कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं जो कि होती हैं ह्यूमन रीडेबल्स दूसरी होती है मशीन रीडेबल्स और तीसरी होती है कम्युनिकेशन ह्यूमन रीडेबल मीन्स जिनको ह्यूमन रीड कर सकते हैं मशीन रीडेबल मीन्स जिनको मशीन्स रीड कर सकती हैं और इनका जो आउटपुट होता है वो बाइनरी फॉर्म्स में होता है और कम्युनिकेशन जो कम्युनिकेशन प्रोवाइड करती हैं इंटरनली फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर सिस्टम द इनपुट आउटपुट इंटरफेस प्रोवाइड अ मेथड फॉर ट्रांसफ़रिंग इन्फॉमेसन बिटवीन इंटरनल स्टोरेज एंड एक्सटर्नल इनपुट आउटपुट डिवाइस जो हमारे इनपुट आउटपुट इंटरफेसिस होते हैं वो मैथड प्रोवाइड करते हैं ट्रांसफ़र करने के लिए इन्फॉर्मेशन इंटरनल स्टोरेज और एक्सटर्नल इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के बीच पेरीफेरल्स कनेक्टेड टू अ कंप्यूटर नीड स्पेशल कम्युनिकेशन लिंक्स फॉर इंटरफेसिंग दैम विद द सीपीयू जो हमारे पेरीफेरल्स कनेक्टेड होते किसी कंप्यूटर से वो एक स्पेशल कम्युनिकेशन लिंक प्रोवाइड करते हैं ताकि हम सीपीयू से इंटरफेस कर सकें The purpose of communication link is to resolve the differences that exist between the central computer and each peripheral. जो communication link का जो main purpose होता है वो ये होता है कि जो हमारी central computer और जो बहुत सारे peripherals attached हैं computer system से उनके बीच में जो differences होते हैं उनको resolve करना जो major differences होते हैं वो होते हैं कि जो हमारे peripherals होते हैं वो electromagnetic और इलेक्ट्रो मैकेनिकल डिवाइसेस होते हैं पर जो हमारा कंप्यूटर सिस्टम होता है वो इलेक्ट्रिकल मटेरियल होता है इसलिए जो ये जो डिफरेंसेस है मैग्नेटिक मटेरियल का और मैकेनिकल डिवाइसेस का इन्हें रिजॉल्व करना चाहिए डेटा ट्रांसफ़र रेट ऑफ पेरीफेरल इज़ यूजली स्लोअर जो डेटा ट्रांसफ़र रेट होता है पेरीफेरल्स का वो स्लोअर होता है क्योंकि वो ह्यूमन पर डिपेंड करता है बजाय जो हमारा सी है उसके डेटा ट्रांसफ़र रेट से जो हमारे सी का डेटा ट्रांसफ़र रेट होता है वो बहुत हाई होता है रादर देन जो हमारे पेरीफेरल्स हैं उनसे डेटा कोड एंड फॉर्मेट्स इन पेरीफेरल्स डिफर फ्रॉम द वर्ड फॉर्मेट जो वर्ड फॉर्मेट हम सी में यूज़ करते हैं वो फॉर्मेट हमारा डिफर करता है पेरीफेरल्स के डेटा कोड और फॉर्मेट से ऑपरेटिंग मोड ऑफ पेरीफेरल्स आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर जो ऑपरेटिंग मोड होते हैं पेरीफेरल्स के वो अलग अलग होते हैं हर हर हमारे इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के लिए फंक्शन ऑफ इनपुट आउटपुट इंटरफेस जो हमारा फंक्शन होता है इनपुट आउटपुट इंटरफेस का वो हम अब डिस्क्राइब करेंगे एंड इनपुट आउटपुट इंटरफेस प्रोवाइड्स एन इंटरफेस इंटरनल टू द कंप्यूटर विच कनेक्ट्स इट टू द प्रोसेसर एंड मेन memory एंड an इंटरफेस एक्सटर्नल टू द computer जो हमारा इनपुट आउटपुट इंटरफेस होता है वो एक इंटरनल इंटरफेस प्रोवाइड करता है जो कि कनेक्ट करता है एक प्रोसेसर को मेन मेमोरी से और इंटरफेस करता है एक्सटर्नल टू द कंप्यूटर जो हमारे एक्सटर्नल डिवाइसेज होते हैं उनको भी इंटरफेस प्रोवाइड करवाता है मेन मेमरी और प्रोसेसर से कनेक्टिंग इट टू द एक्सटर्नल डिवाइस और इट शुड बी एबल टू प्रोवाइड कंट्रोल एंड टाइमिंग सिग्नल्स ये प्रोवाइड करता है कंट्रोल और टाइमिंग सिग्नल्स को इट शुड कम्युनिकेट विद द प्रोसेसर इसे प्रोसेसर के साथ में कम्युनिकेट करना है कर देना चाहिए इट शुड कम्युनिकेट विद इनपुट आउटपुट डिवाइसिस इसको इनपुट आउटपुट डिवाइसिस के थ्रू भी इन कम्युनिकेट करना चाहिए इट् शुड हैव अ प्रोविजन फॉर डेटा बफरिंग डेटा बफरिंग का भी प्रोसीजर होना चाहिए मीन्स जो हमारा डेटा है वो किसी बफर में पहले स्टोर हो बाद में हमारी मेन मेमोरी के पास में जाए एरर डिटेक्शन मैकेनिज्म शुड बी इनबिल्ट जो हमारा एरर डिटेक्शन मैकेनिज्म है मीन्स अगर हम किसी कीबोर्ड पे की ए प्रेस कर रहे हैं और रादर देन एस प्रेस हो रहा है एस के सिग्नल्स हमारे उसमें जा रहे हैं तो ये एरर डिटेक्शन मैकेनिज्म इनबिल्ट होना चाहिए किसी कंप्यूटर सिस्टम या हार्डवेयर में A device controller कंट्रोलर इज़ एन इंटरफेस बिटवीन एन इनपुट आउटपुट and एंड system बस अब जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं वो है डिवाइस कंट्रोलर और उसका स्ट्रक्चर जो हमारा डिवाइस कंट्रोलर होता है वो एक इंटरफेस होता है इनपुट आउटपुट डिवाइस और सिस्टम बस के बीच में ऐसा नहीं होता कि हमारे जो इनपुट आउटपुट डिवाइस हैं वो डायरेक्टली मेमरी से इंटरेक्ट करते हैं वो इंटरेक्ट करते हैं वाया अ डिवाइस कंट्रोलर टू द सिस्टम बस नोज़ हाउ टू कम्युनिकेट विद इनपुट आउटपुट डिवाइस कनेक्टेड टू इट इसे पता होता है कि जो डिवाइस इसके साथ में कनेक्टेड हैं इनपुट आउटपुट डिवाइसिस उनसे कैसे कम्युनिकेट करना है और इसे ये भी पता है कि जो सी पी यू सी पी यू या प्रोसेसर या मेन मेमरी जो इस सिस्टम बस से कनेक्टेड है उससे कैसे कम्युनिकेट करना है इट ऑल्सो नोज़ हाउ टू कम्युनिकेट विद द कम्प्यूटर सी पी यू और प्रोसेसर एंड मेमरी थ्रू द सिस्टम बस A डिवाइस कंट्रोलर नीड not necessarily कंट्रोल अ सिंगल डिवाइस बट कैन कंट्रोल मल्टीपल डिवाइसिस जो हमारे डिवाइस कंट्रोलर होता है वो नेसेसरी नहीं होता कि वो सिर्फ एक सिंगल डिवाइस को कंट्रोल कर सके वो बहुत सारे डिवाइसिस को एक बार में कंट्रोल कर सकता है इट कम्स इन अ फॉर्म ऑफ एन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट बोर्ड डेट प्लगस डायरेक्टली इन टू सिस्टम बस एंड देयर इज अ केबल फ्राम द कंट्रोलर टू ईच डिवाइस इट कंट्रोल्स ये एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट बोर्ड के तरह आता है जिसको हम डायरेक्टली सिस्टम बस में प्लग कर सकते हैं और हम बहुत सारे इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को इस कंट्रोलर से अटैच कर सकते हैं थ्रू अ केबल जो एडवांटेजेस हैं डिवाइस कंट्रोलर के वो होते हैं इट अलाउज़ मल्टीपल इनपुट आउटपुट डिवाइसेस टू कनेक्ट अ सिस्टम ये बहुत सारे मल्टीपल इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को अलाउ करता है ताकि वो एक सिस्टम से कनेक्ट कर सकें इनपुट आउटपुट डिवाइसेस कैन ईजिली बी चेंज्ड विदाउट चेंज इन कंप्यूटर सिस्टम जो इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हैं हम उनको ईजिली चेंज कर सकते हैं सिस्टम कंप्यूटर सिस्टम में कोई चेंज किए बिना प्रोवाइड फ्लैक्सीबिलिटी टू बाई डिफरेंट इनपुट आउटपुट डिवाइस टू फ्रॉम वेरियस वेंडर्स ये फ्लैक्सीबिलिटी प्रोवाइड कर सकता है ताकि जो यूज़र है वो बहुत सारे डिफरेंट तरह के इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को परचेज कर सके बहुत सारे वेंडर्स से जैसे कि हमारे पास में एक माउस है किसी माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का और एक माउस है आईबीएम का तो ये फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड कर सकता है कि हमारा जो मन चाहे उस डिवाइस को हम अपने कंप्यूटर सिस्टम के साथ कनेक्ट कर सकें जो टिपिकल ब्लॉक डायग्राम है डिवाइस कंट्रोलर का वो यहाँ पर दिया गया है जहाँ पर एक डिवाइस कंट्रोलर बहुत सारे इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को कनेक्ट करता है और एक एक डिवाइस कंट्रोलर है जो सिंगल इनपुट आउटपुट डिवाइस को भी कनेक्ट करता है ये जो डिवाइस कंट्रोलर है वो डायरेक्टली कम्युनिकेट नहीं करता सीपीयू या मेमोरी से वो एक सिस्टम बस के थ्रू कनेक्ट करता है अगर जो हमारे डिवाइस कंट्रोलर है वो डायरेक्ट direct को डायरेक्टली मेमोरी को एक्सेस करता है उसे हम डी कहते हैं या डी पाथ कहते हैं मींस डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस और अगर हमारा डिवाइस कंट्रोलर डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर रहा मेन मेमोरी को मींस अगर वो सीपीयू के थ्रू मेन मेमोरी को एक्सेस कर रहा है तो वो डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस नहीं होता उसे हम कहते हैं पाथ नॉट इन्वॉल्विंग डी एम ए द डिवाइस कंट्रोलर एंड इट स्ट्रक्चर जो हमारा मेन पॉइंट है पीछे डायग्राम में नोट करने वाले वो ये होते हैं कि जो ईच इनपुट आउटपुट डिवाइस है वो एक इनपुट आउटपुट पोर्ट से लिंक होता है सिंगल एंड मल्टी पोर्ट डिवाइस कंट्रोल सिंगल और मल्टी डिवाइसिस जो हमारे मल्टी पोर्ट ड्राइवर है और जो हमारे सिंगल ड्राइवर है वो मल्टी पोर्ट और सिंगल पोर्ट के डिवाइसेस को ही एक्सेस करेगा द कम्युनिकेशन बिटवीन इनपुट आउटपुट कंट्रोलर एंड मेमरी इज़ थ्रू बस ओनली इन केस ऑफ डायरेक्ट मेमरी एक्सेस वेयर एज द पाथ एक्सेस थ्रू द सी पी यू फॉर सच कम्युनिकेशन इन केस ऑफ नॉन डी एम ए जो हमारा कम्युनिकेशन हो रहा है इनपुट आउटपुट कंट्रोलर और मेमरी का वो एक बस के थ्रू होगा जिसे हम डायरेक्ट मेमरी एक्सेस कहेंगे अगर जो हमारा इनपुट आउटपुट कंट्रोलर है वो डायरेक्टली मेमरी को एक्सेस कर रहा है अगर वो डायरेक्ट मेमोरी को एक्सेस ना करके सीपीयू को एक्सेस करता है पहले और बाद में मेमोरी को एक्सेस करता है तो वो नॉन डीएमए कहलाता है अ जनरल स्ट्रक्चर टू एन इनपुट आउटपुट इंटरफेसेस जो जनरल स्ट्रक्चर होता है इनपुट आउटपुट इंटरफेसेस का वो होता है कंट्रोल लाइन बिटवीन प्रोसेसर्स एंड इनपुट आउटपुट इंटरफेस फॉर इनपुट आउटपुट लॉजिक विच इंटरप्रेट एंड एग्जीक्यूट डायलॉग्स बिटवीन प्रोसेसर एंड इनपुट आउटपुट इंटरफेस जो हमारी कंट्रोल लाइंस होती हैं एक जनरल स्ट्रक्चर में हमारी कुछ कंट्रोल लाइंस होती हैं प्रोसेसर के बीच में और इनपुट आउटपुट इंटरफेस के बीच में जो प्रोवाइड करती हैं एक इनपुट आउटपुट लॉजिक कि कैसे हमारा प्रोसेसर और इनपुट आउटपुट इंटरफेस के बीच में इंटरप्रिटेशन और डायलॉग के एग्जीक्यूशन होंगे द डेटा लाइन्स कनेक्टिंग इनपुट आउटपुट इंटरफेस टू दिस्टम बस सर्वस द पर्पज़ ऑफ डेटा ट्रांसफ़र जो डेटा लाइन्स होंगी इनपुट आउटपुट इंटरफेस और सिस्टम के बीच में वो डेटा ट्रांसफ़र का पर्पज सॉल्व करती हैं डेटा रजिस्टर्स जो होते हैं वो बफर की तरह एक्ट करते हैं प्रोसेसर और इनपुट आउटपुट इंटरफेस के बीच में और जो हमारे इनपुट आउटपुट इंटरफेस होते हैं वो लॉजिक कंटेन करते हैं जो स्पेसिफाई करते हैं कि इंटरफेस और डिवाइसिस कैसे कंट्रोल होंगे डिवाइस ड्राइवर अ डिवाइस ड्राइवर इज़ अ सॉफ्टवेयर इंटरफेस विच मैनेज़ दम्युनिकेशन विद एंड द कंट्रोल ऑफ अ स्पेसिफिक इनपुट आउटपुट डिवाइस और टाइप ऑफ डिवाइस जो हमारा डिवाइस ड्राइवर है वो एक सॉफ्टवेयर इंटरफेस होता है जो मैनेज करता है कम्युनिकेशन या कंट्रोल को किसी स्पेसिफिक इनपुट आउटपुट डिवाइसिस के लिए या फिर बहुत सारे तरह के डिवाइसेस के लिए इट इज़ द टास्क ऑफ़ डिवाइस ड्राइवर टू कन्वर्ट द लॉजिकल रिक्वेस्ट फ्रॉम द यूज़र इंटू स्पेसिफिक कमांड्स डायरेक्टेड टू द डिवाइस इट्स सेल्फ़ जो टास्क होता है डिवाइस ड्राइवर का वो होता है कि कन्वर्ट करे लॉजिकल रिक्वेस्ट को फ्रॉम यूज़र इन् टू स्पेसिफिक कमांड्स डायरेक्टिड टू द डिवाइस इट्स सेल्फ बहुत सारे डिवाइसिस के हर ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए डिवाइस ड्राइवर्स अलग होते हैं हम पढ़ेंगे फॉर यूनिक्स एमएसटॉस एंड विंडोज सिस्टम यूनिक्स में जो डिवाइस ड्राइवर्स होते हैं आर यूजली लिंक्ड ऑन टू ऑब्जेक्ट कोड ऑफ द कर्नल जो हमारी यूनिक्स में है वो डिवाइस ड्राइवर्स जो होते हैं वो लिंक्ड होते हैं ऑब्जेक्ट कोड ऑफ कर्नल से इसका एडवांटेज होता है कि ये रन टाइम एफिशियंसी और सिम्प्लिसिटी प्रोवाइड करता है और इसका डिसएडवांटेज होता है कि एडिशन ऑफ न्यू डिवाइस रिक्वायर्स रीजनरेशन ऑफ द कर्नल और जो इसका मेन डिसएडवांटेज होता है कि जब हम कोई नया नया डिवाइस ऐड करते हैं तो हम हमारे कर्नल को रीजनरेट करना पड़ता है इन एम डॉस डिवाइस ड्राइवर्स आर इंस्टॉल्ड एंड लोडेड ऑटोमेटिकली मीन्स डायनेमिकली डेट इज़ दे आर लोडेड इन टू मेमरी द कंप्यूटर इज़ स्टार्टेड और रिबूटेड एंड एक्सेस्ड बाय ऑपरेटिंग सिस्टम एज रिक्वायर्ड जो हमारे एम डॉस में है वहाँ पर हमारा जो डिवाइस ड्राइवर है वो उसको इंस्टॉल किया जाता है या लोड किया जाता है डायनेमिकली मीन्स उसको हम तब लोड करते हैं जब एक कंप्यूटर स्टार्ट होता है या रिबूट होता है किसी ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू जो इसका एडवांटेज होता है वो होता है कि जो हमारे नए नए डिवाइसेस हैं या ड्राइवर्स हैं वो आसानी से एड ऑन होते हैं मींस उनकी जो एडिशन होती है वो बहुत सिंपल होती है और इसको कोई अनस्किल्ड यूज़र भी परफॉर्म कर सकता है इन द विंडोज सिस्टम जो हमारा विंडोज़ है उसमें डिवाइस ड्राइवर्स आर इम्प्लीमेंटेड एज डायनेमिक लिंक लाइब्रेरीज जो हमारे डिवाइस ड्राइवर्स हैं वो इम्प्लीमेंट किए जाते हैं डायनेमिक लिंक लाइब्रेरीज़ के थ्रू एडवांटेज जो होता है डी डी एल्स का वो कंटेन करता है शेयरेबल कोड विच मीन्स दैट ओनली वन कॉपी ऑफ द कोड नीड्स टू बी लॉडिड इन टू द मेमरी मीन्स जो इनके जो डिवाइस ड्राइवर की इन्फॉर्मेशन है वो एक शेयरेबल कोड होता है और सिर्फ एक ही बार को मेमरी में इसकी कॉपी को हमें भेजना पड़ता है इनपुट आउटपुट टेक्निक्स जो हमारी बेसिकली तीन टेक्निक्स होती हैं इनपुट आउटपुट के लिए वो होती है प्रोग्रामड इनपुट आउटपुट दूसरी होती है इंटरप्ट ड्रिवन इनपुट आउटपुट और तीसरी होती है डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस जो हमारा ओवरव्यू होता है वो ये होता है कि जो हमारा प्रोग्राम्ड इनपुट आउटपुट होता है उसमें इंटरप्रेट रिक्वायर्ड नहीं होती और जो हमारा एक्सेस होता है वो थ्रू थ्रू सी होता है इंटरप्ट ड्रिवन में हमारी जो इंटरप्रेट इंटरप्रिटेशन कमांड्स आती हैं वो होती हैं और इसका भी एक्सेस जो होता है वो थ्रू सी होता है डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस में भी हमारे इंटरप्ट्स आ सकते हैं और इसकी जो मेमोरी की एक्सेस है वो डायरेक्ट होती है प्रोग्राम्ड इनपुट आउटपुट प्रोग्राम्ड इनपुट आउटपुट इज़ अ यूजफुल इनपुट आउटपुट मेथड फॉर कंप्यूटर्स वेयर हार्डवेयर कॉस्ट नीड टू बी मिनिमाइज जो हमारे प्रोग्राम्ड इनपुट आउटपुट होते हैं वो बहुत यूजफुल होते हैं कंप्यूटर को कंप्यूटर के लिए और उसके हार्डवेयर की जो कॉस्ट होती है वो भी बहुत कम होती है द इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस इन सच केसेस में इन्वॉल्व जो हमारे इनपुट आउटपुट ऑपरेशन होते हैं वो इन्वॉल्व करते हैं ट्रांसफ़र ऑफ़ डेटा फ्राम इनपुट आउटपुट डिवाइसेस टू द प्रोसेसर रजिस्टर ट्रांसफ़र ऑफ़ डेटा फ्राम प्रोसेसर रजिस्टर टू मेमरी जो ऑपरेशंस होते हैं इनपुट आउटपुट के वो इन्वॉल्व करते हैं कि डेटा को ट्रांसफ़र करें इनपुट आउटपुट डिवाइस से प्रोसेसर रजिस्टर में और दूसरा होता है कि वो डेटा को ट्रांसफ़र करे प्रोसेसर रजिस्टर से मेमोरी में इनपुट आउटपुट कमांड्स जो बेसिकली जो बेसिक कमांड्स होती हैं इनपुट आउटपुट के लिए वो चार तरीके की होती हैं पहली होती है हमारी कंट्रोल जो स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन टू डिवाइसेस होती हैं मींस कि डिवाइस कैसे एक्ट करेगा उनके लिए इंस्ट्रक्शंस कंट्रोल के कंट्रोल भेजता है टेस्ट टेस्ट करता है कि ये स्टेटस चेक करता है कि डिवाइस रेडी है काम करने के लिए या नहीं रीड कि इनपुट ऑफ डेटा को डिवाइस से ले और राइट मींस आउटपुट ऑफ डेटा को आउटपुट डिवाइस पे दे इनपुट आउटपुट इंस्ट्रक्शंस एंड इनपुट आउटपुट इंस्ट्रक्शन इज स्टोर्ड इन मेमोरी ऑफ द कंप्यूटर एंड इज़ फेस्ड एंड एग्जीक्यूटेड बाय द प्रोसेसर प्रोड्यूसिंग एंड इनपुट आउटपुट रिलेटेड कमांड फॉर द इनपुट आउटपुट इंटरफेस इन सिस्टम्स विद प्रोग्राम्ड इनपुट आउटपुट द इनपुट आउटपुट इंटरफेस द मेन मैमरी एंड द प्रोसेसर्स नॉर्मली शेयर दिस्टम बस इस तरीके के प्रोग्राम्ड इनपुट आउटपुट सिस्टम में जो हमारे इनपुट आउटपुट इंटरफेस होते हैं मेमोरी होती है और जो प्रोसेसर्स होते हैं वो सिस्टम बस को शेयर करते हैं मींस जिन उनके बीच में जितना भी इंटरकनेक्शन या इंटरकम्युनिकेशन होगा वो सिस्टम बस के थ्रू होगा ईच इनपुट आउटपुट इंटरफेस शुड इंटरप्रेट द एड्रेस लाइन्स टू डिटरमाइन इफ़ कमांड इज़ फॉर इट्स सेल्फ जो हमारे इनपुट आउटपुट इंटरफेसिज होते हैं वो एड्रेस करते हैं एड्रेस लाइन को और डिटरमाइन करते हैं उनके कमांड्स को अपने आप जो दो मैथर्ड होते हैं इसके लिए वो होते हैं मैमरी मैप्ड इनपुट आउटपुट और दूसरा होता है आइसोलेटेड इनपुट आउटपुट मैमरी मैप्ड इनपुट आउटपुट में देयर इज़ अ सिंगल एड्रेस स्पेस फॉर मैमरी लोकेशंस एंड इनपुट आउटपुट डिवाइस यहाँ पे हमारे पास में एक सिंगल मेमोरी स्पेस होता है सिंगल एड्रेस स्पेस होता है मेमोरी लोकेशंस पे और इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के लिए फॉर मेमोरी मैप्ड इनपुट आउटपुट ओनली अ सिंगल रीड एंड सिंगल राइट लाइन आर नीडेड फॉर मेमोरी और इंटर इनपुट आउटपुट इंटरफेस रीड और राइट ऑपरेशन जो हमारी मेमरी मैप इनपुट आउटपुट टेक्निक्स होती हैं उसमें हम सिर्फ एक सिंगल रीड और सिंगल राइट लाइन का यूज़ करते हैं मेमोरी और इंटरफेस के रीड और राइट ऑपरेशन के लिए

इनपुट आउटपुट डिवाइसेस एंड मेमोरी आर एड्रेस सेपरेटली जो हमारे इनपुट आउटपुट डिवाइसेस होते हैं और मेमोरी होती है वो अलग से सेपरेटली एड्रेस किए जाते हैं मींस ये जो हमारे इनपुट आउटपुट डिवाइसेस है उनके लिए एक अलग रजिस्टर होगा और मेमोरी के रीड राइट ऑपरेशन के लिए अलग रजिस्टर होगा हैंड सेपरेट इनपुट आउटपुट इंस्ट्रक्शन आर नीडेड विच कॉज डेटा ट्रांसफ़र बिटवीन एड्रेसिज इनपुट आउटपुट इंटरफेस एंड प्रोसेसर और इसी वजह से जो हमारे इनके लिए इनपुट आउटपुट की इंस्ट्रक्शंस भी अलग अलग होंगी प्रॉब्लम क्या होती है प्रोग्रामड इनपुट आउटपुट की वो होती है द प्रोसेसर हैज टू वेट अ लॉन्ग टाइम फॉर इनपुट आउटपुट इंटरफेस टू सॉल्व वेदर आर डिवाइसिस फ्री और वेट टिल द कंप्लीशन ऑफ इनपुट आउटपुट जो मेन प्रॉब्लम होती है वो होती है कि हमें प्रोसेसर को पता नहीं होता कि कितनी देर तक वेट करना है किसी इनपुट आउटपुट इंटरफेस के लिए कि वो डिवाइस को फ्री करे या उसका वेट करे ताकि इनपुट आउटपुट का कंप्लीशन पूरा हो द रिज़ल्ट इज़ द परफॉर्मेंस ऑफ प्रोसेसर गोज़ डाउन ट्रेमेंडसली जो रिज़ल्ट होता है वो ये होता है कि प्रोसेसर की जो परफॉर्मेंस है वो बहुत ही ज़्यादा डाउन हो जाती है इंटराप्ट ट्रिवन इनपुट आउटपुट आफ्टर टेकिंग द रिक्वायर्ड एक्शन विद द डेटा द सी पी यू कैन गो बैक टू द प्रोग्राम इट वॉज एग्जीक्यूटिंग बिफोर द इंटराप्ट जो हमारे इनपुट आउटपुट के रिक्वायर्ड एक्शन होता है वो ये पता नहीं लगा पाता आफ्टर इशुइंग रीड कमांड द इनपुट द सी पी यू गोज ऑफ टू डू अदर यूजफुल वर्क वाइल इनपुट आउटपुट इंटरफेस प्रोसीड्स टू रीड डेटा फ्रॉम द एसोसिएटेड डिवाइस ऑन द कम्प्लीशन ऑफ एन इंस्ट्रक्शन साइकिल द सी पी यू चेक फॉर इंटराप्ट इस प्रोसीजर में क्या होता है कि पहले हमारी एक कमांड चली जाती है जब एक रीड कमांड या राइट कमांड इश्यू होती है तो हमारा एक डेटा का इंटरफेस होता है जब इस इंस्ट्रक्शन साइकिल का कंप्लीशन हो जाता है तो सी पी यू चेक करता है कि क्या हमारे पास में कोई इंटरप्ट जनरेट हुआ है या नहीं हुआ है आफ्टर टेकिंग द रिक्वायर्ड एक्शन विद द data, द CPU can go कैन गो बैक टू द प्रोग्राम इट before एग्जीक्यूटिंग बिफोर द अगर कोई interrupt जनरेट नहीं हुआ है या फिर जनरेट हुआ है तो वो पहले interrupt को पूरा करेगा और जैसे ही ये सारी चीज़ें complete हो जाएंगी means अगर इंटरप्ट आया है तो उसकी एग्जीक्यूशन और अगर नहीं आया है तो उसकी परफॉर्मेंस के बाद जो हमारे रिक्वायर्ड एक्शन होता है डेटा पे सीपीयू उसको एग्जीक्यूट करने में दोबारा से लग जाता है इंटराप्ट प्रोसेसिंग जो हमारी इंटरप्ट की प्रोसेसिंग होती है वो कैसे होती है वैन एंड इनपुट आउटपुट डिवाइस कम्प्लीट्स एंड इनपुट आउटपुट ऑपरेशन द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ हार्डवेयर इवेंट्स अकर जब हमारे जब हमारा इनपुट आउटपुट डिवाइस कम्प्लीट करता है एक इनपुट आउटपुट ऑपरेशन को उसकी सीक्वेंस हार्डवेयर कैसे जनरेट करता है वो होती है द डिवाइस इशूज़ एंड इंटराप्ट सिग्नल टू द प्रोसेसर जो हमारे डिवाइस होता है वो एक इंटराप्ट सिग्नल जनरेट करता है द प्रोसेसर फिनिश इज एग्जीक्यूशन ऑफ़ द करंट इंस्ट्रक्शन बिफोर रिस्पॉन्डिंग टू द इंटरप्रेट जो हमारा प्रोसेसर होता है वो पहले फिनिश करता है करंट इंस्ट्रक्शन को ताकि वो रिस्पॉन्ड कर सके किसी इंटरप्ट को द प्रोसेसर टेस्ट इज फॉर द इंटराप्ट एंड सेंस एंड एक्नॉलेजमेंट सिग्नल टू डिवाइस दैट इशूड द इंटराप्ट जो प्रोसेसर होता है वो टेस्ट करता है इंटरप्ट को एक और एक एक्नॉलेजमेंट सिग्नल भेजता है किसी डिवाइस को जिसने इंटरप्ट जनरेट किया है द minimum information required टू बी स्टोर्ड फॉर द टास्क being करंटली executed बिफोर CPU starts executing the interrupt routine are आर पहला होता है वो चेक करता है स्टेटस ऑफ प्रोसेसर विच प्रोग्राम कंटेन इन द रजिस्टर कॉल्ड प्रोग्राम स्टेटस वर्ड और दूसरा होता है लोकेशन ऑफ द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन टू बी एग्जीक्यूटेड ऑफ द करेंटली एग्जीक्यूटिंग प्रोग्राम विच इज कंटेंड इन प्रोग्राम काउंटर द प्रोसेसर नाउ लोड्स द पी सी विद द एंट्री लोकेशन ऑफ द इंटरप्ट हैंडलिंग प्रोग्राम डेट विल रिस्पॉन्ड टू द इंटरप्टिंग कंडीशन जो हमारा प्रोसेसर होता है वो प्रोग्राम काउंटर को लोड करता है जो हमारी इंटरप्ट हैंडलिंग प्रोग्राम की एंट्री लोकेशन है और रिस्पॉन्ड करता है उस इंटरप्टिंग कंडीशन के लिए जो हमारा प्रोग्राम काउंटर होता है और प्रोग्राम स्टेटस वर्ड होता है वो रिलेट करता है इंटरप्टिड प्रोग्राम को हैव ऑलरेडी बीन सेव्ड ऑन द सिस्टम स्टैग द इंट्रप्टलर नेक्स्ट प्रोसेस इज द इंटराप्ट जो इंटरप्ट हैंडलर होता है वो इंटरप्ट को प्रोसेस करता है वैन इंट्राप्ट प्रोसेसिंग इज़ कम्पलीटेड जो जब हमारी इंटरप्ट की प्रोसेसिंग कम्प्लीट हो जाती है जो सेव रजिस्टर वैल्यू होती है उसको हम रिट्रीव करते हैं और उसको रिस्टोर करते हैं एक रजिस्टर में जो फाइनल स्टेप होता है वो रिस्टोर करता है पी एस डब्ल्यू की वैल्यू को और प्रोग्राम काउंटर की वैल्यू को इस टैक में जो डिज़ाइन इश्यूज होते हैं वो बेसिकली दो तरीके के होते हैं इंटरप्ट ड्रिवन इनपुट आउटपुट सिस्टम में और पहले होते हैं हाउ डज द प्रोसेसर डिटरमाइन विच डिवाइस इशूड द इंटरप्ट तो जो पहला डिज़ाइन इशू होता है वो ये होता है कि हमें पता नहीं होता कि किस डिवाइस ने इंटरप्ट को जनरेट किया है दूसरा होता है इफ़ मल्टीपल इंटरप्ट हैव अकर्ड हाउ डज़ द प्रोसेसर डिसाइड विच वन टू बी प्रोसेस फर्स्ट और अगर बहुत सारे इंटराप्ट एक बार में जनरेट हो गए हैं तो प्रोसेसर को ये पता नहीं होता कि कौन से को पहले एग्जीक्यूट करना है और किस बाद में जो चार टेक्निकल प्रॉब्लम्स होती हैं इस टेक्निक के साथ में वो होती हैं मल्टीपल इंटरप्ट लाइन बहुत सारी इंटरप्ट लाइन होती हैं सॉफ्टवेयर पोल की सॉफ्टवेयर की पोलिंग कैसे होगी डेजी चेन और बस आर्बिट्रेशन डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस जो तीसरी टेक्निक होती है वो डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस होती है जहाँ पे हम इनपुट आउटपुट डिवाइसेस जो होते हैं वो मेमोरी को डायरेक्टली सिस्टम बस से एक्सेस करते हैं अ टेक्निकल्साइकिल अलाउज द डी एम ए इंटरफेस टू ट्रांसफ़र वन डेटा वर्ड एट अ टाइम और ये जो डी एम ए साइकिल होती है या डी एम ए की टेक्निक होती है उसे साइकिल स्टीलिंग कहती है जो अलाउ करती है ट्रांसफ़र ऑफ वन डेटा वर्ड एट अ टाइम आफ्टर विच इट मस्ट रिटर्न कंट्रोल ऑफ द बस टू द प्रोसेसर द डी एम ए इंटरफेस ट्रांसफर द एंटायर ब्लॉक ऑफ डेटा वन वर्ड एट अ टाइम डायरेक्टली टू और फ्राम मेमरी विदाउट गोइंग थ्रू द प्रोसेसर

कंटेंड यूज ऑफ इनपुट आउटपुट कंट्रोल्स बट इंटराप्ट जो हमारे इनपुट आउटपुट कंट्रोल्स होते हैं वो इंटराप्ट के साथ में भी होते हैं द डायरेक्ट एक्सेस ऑफ इनपुट आउटपुट इंटरफेस टू द मेमरी वायर डायरेक्ट मेमरी एक्सेस और फिफ्थ होता है सीप्यू डायरेक्ट्स द इनपुट आउटपुट प्रोसेसर टू एक्जीक्यूट एंड इनपुट आउटपुट प्रोग्राम इन मेमरी करेक्टरिस्टिक्स ऑफ इनपुट आउटपुट चैनल्स एंड इनपुट आउटपुट चैनल हैज़ द एबिलिटी टू एग्जीक्यूट इनपुट आउटपुट इंस्ट्रक्शन विच गिवस कम्प्लीट कंट्रोल ओवर द इनपुट आउटपुट ऑपरेशन जो हमारे इनपुट आउटपुट चैनल होता है वो एक एबिलिटी प्रोवाइड करता है इनपुट आउटपुट इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने के लिए और ये कंप्लीट करता है कंट्रोल ओवर द इनपुट आउटपुट ऑपरेशन एक सेलेक्टर चैनल होता है जो कंट्रोल करता है एक हाई स्पीड डिवाइसिस को एक टाइम पे इज़ डेडिकेटेड टू ट्रांसफ़र ऑफ डेटा विद वन ऑफ दोज डिवाइसेस ई डिवाइस इज़ हैंडल्ड बाय अ कंट्रोलर और इंटर आउट इनपुट आउटपुट इंटरफेस अ मल्टीप्लेक्सर चैनल कैन हैंडल इनपुट आउटपुट विद मल्टीपल डिवाइसेस एट द सेम टाइम जो हमारे मल्टीप्लेक्सर चैनल होता है वो हैंडल करता है इनपुट आउटपुट की डिवाइसिस को एक सेम टाइम पे इफ़ डिवाइसेस आर स्लो देन बाइट मल्टीप्लेक्सर इज यूज और अगर डिवाइसिस स्लो हैं तो हम एक बाइट मल्टीप्लेक्सर यूज करते हैं एक्सटर्नल कम्युनिकेशन इंटरफेस द एक्सटर्नल इंटरफेस इज द इंटरफेस बिटवीन इनपुट आउटपुट इंटरफेस एंड द पेरीफेरल डिवाइसेस द इंटरफेस कैन बी समराइज और कैरेक्टराइज इन टू मेन कैटेगरीज पहला होता है पैरल इंटरफेस और दूसरा होता है सीरियल इंटरफेस पैलल इंटरफेस मल्टीपल बेड्स कैन ट्रांसफ़र साइमल्टेनियसली जो पैलल इंटरफेस मल्टीपल बेड्स होती हैं हम उनको साइमल्टेनियसली ट्रांसफ़र कर सकते हैं द पैलल इंटरफेस इज नॉर्मली यूज फॉर हाई स्पीड पेरीफेरल्स सचैस टेप्स और डिस्क जो हमारे पैलल इंटरफेस होते हैं वो नॉर्मली हाई स्पीड पेरीफेरल्स को यूज़ करते हैं जैसे कि टेप्स और डिस्क इन सीरियल इंटरफेस ओनली वन लाइन इज़ यूज टू ट्रांसमिट डेटा सीरियल इंटरफेस में सिर्फ एक लाइन यूज़ करते हैं डेटा के ट्रांसमिट के लिए देयर ओनली वन बिट इज़ ट्रांसफर्ड एट अ टाइम यहाँ पे सिर्फ एक बिट यूज़ होती है एक टाइम पे सीरियल प्रिंटर्स आर यूज फॉर सीरियल प्रिंटर्स एंड टर्मिनल्स जो हमारे सीरियल प्रिंटर्स यूज़ करते हैं प्रिंटिंग और टर्मिनल्स के लिए द डायलाग्स फॉर रीड और राइट ऑपरेशन इज़ एज फॉलोज जो डायलॉग होते हैं मीन्स जो कम्युनिकेशन होता है रीड और राइट ऑपरेशन का वो ऐसे होता है अ कंट्रोल सिग्नल इज सेंड बाई इंटर इनपुट आउटपुट इंटरफेस टू पेरीफेरल रिक्वेस्टिंग द परमिशन टू सेंड और रिसीव डेटा मीन्स एक कंट्रोल सिग्नल जाता है इनपुट आउटपुट इंटरफेस के पास में जो परमिशन देता है डेटा को सेंड या रिसीव करने के लिए द पेरीफेरल एक्नॉलेज द रिक्वेस्ट वो पेरीफेरल है वो एक्नॉलेज भेजता है रिक्वेस्ट के लिए द डेटा आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम इनपुट आउटपुट इंटरफेस टू पेरीफेरल और फ्रॉम पेरीफेरल टू इनपुट आउटपुट इंटरफेस जो डेटा होता है वो ट्रांसफ़र किया जाता है इनपुट आउटपुट इंटरफेस से पेरीफेरल में या फिर पेरीफेरल से इनपुट आउटपुट इंटरफेस के लिए द पेरीफेरल एक्नॉलेज इज द रिसिप्ट ऑफ द डेटा पेरीफेरल एक्नॉलेज भेजता है कि हाँ भाई मेरे पास में डेटा आ गया है द कमे कनेक्शन बिटवीन एंड इनपुट आउटपुट इंटरफेस इन कम्प्यूटर सिस्टम एंड एक्सटर्नल डिवाइसिस कैन भी इधर पॉइंट टू पॉइंट और मल्टी पॉइंट जो कनेक्शन होता है इनपुट आउटपुट इंटरफेस का और कंप्यूटर सिस्टम का थ्रू एक्सटर्नल डिवाइस वो या तो पॉइंट टू पॉइंट होगा या मल्टी पॉइंट होगा पॉइंट टू पॉइंट इंटरफेस में एक डेडिकेटेड लाइन होती है इंटरफेस और एक्सटर्नल डिवाइसिस के लिए ठीक है और जो हमारा मल्टी पॉइंट होता है उसमें बहुत सारी डिवाइस होती हैं डू इट योर सेल्फ What is the need of input output channels? What are input and output techniques? Thank you for this session.